सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2018 के 55वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने 20 ओवर्स में 174 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 163 रनों पर 19.3 ओवर में ऑल आउट हो गई और दिल्ली ने ये मुकाबला 11 रनों से जीत लिया। चलिए आपको इस शानदार मैच से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली डेयरडेविल्स ने पावर प्ले में 2 विकेट खोकर 46 रन बनाए। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। पंत ने 44 गेंदों पर 64 रन बनाए। पंत का ये इस सीजन का 5वां अर्धशतक है। 5वें विकेट के लिए पंत और विजय शंकर ने 47 गेंदों पर 64 रनों की साझेदारी की। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम का विकेट पहले ही ओवर में गिरा। सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर संदीप लामिजाने का शिकार बने। ईशान किशन मात्र 5 रन बनाकर अमित मिश्रा की गेंद पर विजय शंकर को कैच दे बैठे। लुइस ने 31 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए। रोहित शर्मा 13 रन बनाकर हर्षल पटेल के शिकार बने। वैन कटिंग ने 20 गेंदों में 37 रन बनाकर मुंबई की उम्मीदें जगाई। अमित मिश्रा ने 19 रनों पर 3 और लामिजाने ने 36 रनों पर 3 विकेट लिए। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।